जैसे कि आपने सुना, ज़र्फ का मतलब होता है एक की कैपेसिटी, इनर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ। तो हम सब यहाँ औरतें हैं, यहाँ मेरे साथ तीन एक्ट्रेस बैठी है, पीछे आर्किटेक्ट थे, पीछे डॉक्टर्स थे, हम सारे लोग थे एक साथ जो हमारा इनर कैपेसिटी, इनर स्ट्रेंथ यहाँ पे चलका रहे थे ज़र्फ के कपड़े पहनकर। ज़र्फ का होल आइडिया इज़ के कपड़े प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो कोई भी छोटा सा फंक्शन हो या बहुत बड़ा। हम अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, एंड क्लोथ्स ऐड टू योर पर्सनैलिटी। सो दैट्स वॉट इट वॉज अबाउट। दिस वॉज अ ब्राइडल शो जहाँ पे हम लोगों ने ब्राइडल कपड़े, ब्राइडल में भी आजकल वेरिएशन होता है, वो जो फॉर्मूला ब्राइडल होता था पहले कि एक दुल्हन इसी तरह के कपड़े पहनेगी और इसी तरह से दिखेगी, अब वो नहीं रहा, वो हिस्ट्री बन गया। सो वी ऑल लुक फॉर वेरिएशन, वी ऑल लाइक टू एक्सपेरिमेंट, एंड ऑन अ बिग डे हम सबको बहुत ही खूबसूरत लगना होता है। सो दैट्स वॉट ज़र्फ डज, वी हेल्प यू टू लुक द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड स्टिल यूनिक फ्रॉम अदर्स, एंड दैट्स वॉट द कलेक्शन पोर्ट्रेट टुडे। एक्चुअली जब आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रेपरेशन में कोई चैलेंजेस नहीं होते। ज़र्फ का मतलब ही ये है कि चैलेंजेस लो और आगे बढ़ो। ये एक दिन में हुआ है, और कपड़े बनाने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारा हैंडवर्क था, बहुत सारा आबला वर्क, जैसे इनके डिज़ाइन में आप देखते हैं, बहुत सारा हैंडवर्क है इनके डिज़ाइन में, जैसे आप देख रहे हैं कि चिकनकारी है, एम्ब्रॉयडरी है वगैरह। सो ये सबको ऑब्वियसली प्रिपेयर करना पड़ता है, टाइम करना पड़ता है, सीज़न आने से बहुत पहले हम लोग ये प्लान करते हैं और इसको थोड़ा टाइम जाता है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मासूमा ने जिस तरह से इतनी सारी अलग अलग फील्ड की लेडीज़ को स्टाइल किया है, अगर आपके पास प्रोफेशनल मॉडल्स हैं तो ये काम बहुत आसान है क्योंकि वो उनका दिन रात का काम है ये करना। लेकिन इन्होंने अलग अलग फील्ड से लेडीज़ को लिया है, कोई किसी एयरलाइन को हेड कर रही है तो कोई अपने आप में न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई होम मेकर है, और उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना और इतने खूबसूरत से लेकिन इतने एलैबोरेट कपड़ों में डालना वो बहुत मुश्किल काम है, और 16 औरतों को बैक स्टेज मैनेज करना वो अपने आप में अचीवमेंट है। ड्रेस के बारे में सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि नहायत ही खूबसूरत है, उसके अलावा बेहद हैवी है। तो मैंने अपनी खुद की शादी में शायद 5 फंक्शंस में मिला के जितना हैवी कपड़ा पहना होगा अलग अलग फंक्शंस में, वो ये एक आउटफिट इतना है। तो मुझे एक्चुअली मेरे पहले फैशन शो की याद आ गई, जब मैंने सबसे पहले अबू एंड संदीप के लिए एक फैशन शो किया था, उस वक्त मैंने आउटफिट पहना था दैट वाज 17 किलोस। बट मैं मासूमा से पूछूंगी कि क्या ये उससे हैवी है? नहीं नहीं, उससे तो कम ही है। उससे तो काफ़ी कम है, मुझे लगा ये ज़्यादा हैवी है, और इसीलिए मैंने इनको चुना इस आउटफिट के लिए। उनको पता है कि इसके लिए हैवी वेट चैंपियन संभाल लेंगे, पठान लड़की, पठान लड़की, खूबसूरत पठान लड़की। मेरा रिश्ता मासूमा से बहुत पुराना है, एंड मेरा एक्सपीरियंस लाइक मैं अब एंड मोमेंट तक आई थिंक आई वाज द लास्ट वन टू कम एंड डू माय ट्रायल बिकॉज आई कंप्लीटली ट्रस्टेड हर टू गिव मी व्हाट एवर शी वांट्स। एंड यू नो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला था तेरे लिए एक वाइट कलर का कुछ रखा है बिकॉज शी नोज़ माई टेस्ट यू नो। तो उस हिसाब से जब मैं इनके पास गई तो बस एक उन्होंने निकाला और बोला ये लो, और मैंने बस इसे ट्रायल किया, 5 मिनट में फिक्स हुआ और मैं निकल गई बिकॉज शी नोज़ माई टेस्ट सो वेल यू नो। तो और मुझे चिकनकारी और ऐसे यू नो थोड़े लाइट कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते, तो मुझे ये देखते साथ ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये एक्चुअली तो देखा जाए तो घाघरा चोली है, घाघरा चोली है, बट यू नो जनरली घाघरा चोली हैवी जरदोजी वर्क या क्रिस्टल्स में या तो गोटा वर्क ऐसे होता है, बट यू नो चिकनकारी में घाघरा चोली आजकल मतलब बना के उन्होंने जिस हिसाब से, बहुत सारे डिज़ाइंस भी देखेंगे काफ़ी फ्यूजन मिलेगा आपको, आपको स्टैंडर्ड डिज़ाइन मिलेगी ही नहीं। अगर थ्रेडमर्क जरदोजी भी है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्यूजन होगा, जैसे इसमें अगर ये हैवी वर्क है तो इसमें फ्यूजन है वो ट्रेल का, वेस्टर्न गाउन्स का। इसमें जैसे ये है तो इसका बैक, ये घाघरा चोली होते हुए भी इसका बैक कुछ अलग चीज़ है। सो हर चीज़ में ऐसे मिलेगा, जैसे इनका आबला वर्क का स्कर्ट है तो कुछ और टॉप है, उनका स्लीव्स फ्रिल्स एंड ये जो फ्रिल्स और रफल्स और ये सब बहुत देखेंगे हमारे इस कलेक्शन में। आप बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैंने ये पहना, और मैंने जब पहनने के बाद मुझे किसी ने बोला इट्स लाइक आई लुक लाइक अ प्रिंसेस, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ दीपक नाम जोशी, आई हैव टोल्ड हर, एंड नाउ आई एम फैन ऑफ मासूमा मैम, एंड
very happy and like it's my pleasure to walk for her and with Rakshanda and Sleem. So that's it. Thank you. I would like to say one thing about her. I know her since years. For what I've known and seen her, she's so hardworking. Wo jis cheez mein haath dalti hai, us cheez ko upar tak, you know, ek peak tak pahuncha ke leke jaati hai. Wherein just starting this brand, maybe 6 months? Less than six months, and it's become such a huge brand today. So people are talking, and wo kar chuki hai. Matlab, this is Massuma Naam Joshi. For I know, I'm so proud of her. I always keep telling her, ye jis cheez mein haath dalti hai, puri tarah se andar ekdam involved hoke us cheez ko lift up karke wo dikhati ki ye maine kar diya. And we all trust her for that because you know if she's taken up something, wo us cheez ko leke rock karegi. Thank you so much. Thank you.